नाबालिग से दुष्कर्म की घटना की अब्बास से फैली हिंसा असामाजिक तत्वों ने फैलाई थी सोशल मीडिया में। 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की अब्बा अफकाब के बाद 2 बच्चों में हुआ जमकर विवाद, चले लाठी डंडे एवं हुआ पथराव, बाद में आगजनी की घटना भी हुई। पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक जानकारी अब्बा पर ध्यान न दें, अब्बा फैलाने वाले लोगों का सहयोग न करें। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अंतर्गत अमांगन थाने में विगत दिवस हुई नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना की अब्बा के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिससे आक्रोशित 2 बच्चों की भीड़ एक दूसरे पर पथराव किया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को मामले की जानकारी लगने के बाद किसी तरह हालत पर काबू पाया गया, हालांकि पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक पन्ना का कहना है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर 4 वर्षीय बच्ची के साथ घटना घटित होने की जानकारी प्रसारित की गई थी, जिस पर बच्ची का थाना अमानगंज पुलिस के द्वारा पन्ना जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। जांच में यह पाया गया कि बच्ची के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बच्ची खेलते खेलते नदी के पास पहुंच गई। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाकर जनभावना भड़काई गई। वर्तमान स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। किसने मारा है? जिम के सामने पथराव हुआ, पता नहीं किसने ऊपर से मारा। कौन सा बोल रहा है? आजाद मुला वार्ड नंबर 4 मंदिर तो जोला मंदिर वाला मंदिर के सामने इमाम मार्केट। हां भाई, मेडिकल वाले आप क्या होगा भैया? वहाँ पे खड़ा था, उसने वहाँ पर ऊपर से पथरा पटक दिया। किसने मारा है? यहाँ से वो उसने इरफान छत से मारा है। हाँ, नाम है आपका? भी सुरेंद्र। कहाँ जा रहे थे आप? मंदिर है जा रहे थे। तो ये क्या हो गया, कहाँ पे? ऊपर से पथरा मारा है। पत्थर मारा है, पथरा हुआ ऊपर से। किसने मारा है? इरफान है। इरफान लोगों ने मंदिर जा रहे थे साधारण, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रहा आई चोट? सर में कितने कितने टाके आए? टाके आए हुए हैं लेकिन ना। अमानगंज में कल कुछ व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया कि एक 4 वर्ष की बालिका के साथ में कोई घटना घटी है। जब इस मामले की तस्दीक की गई तो ये बात असत्य पाई गई। उस बालिका के साथ में किसी भी प्रकार की कोई दुष्कृत्य जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है। उस बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जो व्यक्ति इस मामले में गवाह था उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उससे भी पूछने पर उसने बताया कि उसने इस प्रकार की घटना होते हुए नहीं देखा। वह बालिका खेलते खेलते पानी की तरफ चली गई थी और वह व्यक्ति जो गवाही दे रहा है, जो उस बालिका को लेके आया था, उसके बयान रिकॉर्ड किए गए और उस बालिका का मेडिकल परीक्षण अमानगंज के साथ साथ पन्ना अस्पताल में भी कराया गया है। इस अतः दुष्कृत्य के संबंध में कोई भी पुष्टि मेडिकल परीक्षण के आधार पर नहीं हुई है। कुछ व्यक्तियों ने अफवाह फैलाकर इस प्रकार जनभावना भड़काने की कोशिश की है, जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। कुछ व्यक्तियों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और उन्होंने इस प्रकार लोगों को भ्रमित किया है। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार की भ्रमपूर्ण जानकारी का जो है सहयोग ना करें। प्रशासन आपकी कार्रवाई के लिए सतत मुस्तैद है और ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर ही कोई बात करें। ऐसे व्यक्ति जो असामाजिक तत्व हैं या उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बिल्कुल सहयोग ना करें और ना ही उनकी किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता। वर्तमान स्थिति शांतिपूर्ण है, मौके पर हमारे थाना प्रभारी, SDOP और अतिरिक्त पुलिस बल भी सभी पॉइंट पर लगाया गया है। ना केवल बाज़ार की सुरक्षा में बल्कि स्थानीय बस्तियों और धार्मिक स्थानों की सुरक्षार्थ भी वहाँ पर